ये देखिए, इसकी स्टिचिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पिंक वाला कपड़ा है ये मेरा पूरा लाइनिंग का कपड़ा है, और ये डार्क पिंक वाला प्लीटेड कपड़ा है। तो लाइनिंग का कपड़ा जैसे बेसिकली नॉर्मली आप सारी स्टिचिंग करते हो वैसे स्टिच करना है, डार्क स्टिच करके शोल्डर स्टिच करना है, साइड में एक साइड सीम लगानी है, और फिर ये वाला पार्ट इसके साथ जोड़ देंगे, स्कर्ट की बेल्ट, और फिर स्कर्ट ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो नीचे वाली जो स्कर्ट है वो कैसे जोड़ करनी है। तो स्कर्ट का मेरा ये जो पैटर्न है इसमें आप 60 बना जो है कपड़े का वो मत रखिए, आई थिंक उससे जब बहुत ज़्यादा गैदर गैदर आके वो फूला फूला लगेगा। तो आप उसको 45 से 50 इंच का विड्थ रख लीजिए, जितना भी आपका प्लीटेड कपड़े का घेर है, और जो लंबाई है वो आपको जितनी रिक्वायर्ड है उतनी रख लीजिए। फिर उसके बाद सेंटर बैक पे सिर्फ आप देखेंगे अगर, तो ऐसा जोड़ आएगा, देखिए सिर्फ सेंटर बैक में, ताकि वहाँ पे आपकी जिप आ जाएगी बाद में। मैं इसमें जिपर नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको ये इसको ऐसे फिनिश करना है, यहाँ पे जोड़ना है आपको ये बेल्ट से नीचे। इसको मैं स्टिच कर दूंगी तो ये आपको ऐसा दिखेगा। अभी इसमें कपड़े की प्रॉपर्टीज़ मैंने अच्छे से ऐड नहीं की है, तो वो वेट ज़्यादा आ रहा है स्कर्ट के नीचे, इसलिए वो नीचे ड्रॉप हो रहा है। खैर यस, अभी आपको पूछना था कि इसमें ये वाली बेल्ट कैसे लगेगी और बस्ट का पैटर्न कैसा लगेगा। तो बस्ट का जो पैटर्न है वो आपको ऐसा स्टिच करना है पहले लाइनिंग का, फिर उसको ऐसे ड्रेस फॉर्म पे डालना है। जैसे अभी मैंने लाइनिंग को स्टिच करके इस अवतार के ऊपर डाला है, आपको भी ऐसे ड्रेस फॉर्म के ऊपर डालने के बाद प्लीटेड कपड़ा इसके ऊपर रखना है सेम। तो ये जो पैटर्न है आप इसी पैटर्न से ही काट लेना, बस यहाँ पे हमें साइड से थोड़ा सा कम कर देंगे, ताकि वो जो प्लीट है वो हमारी प्लीट वाले कपड़े में हमें डार्ट ना बनानी पड़े, अदरवाइज़ वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैं इसके लिए एक काम करती हूँ, प्लीट के लिए मैं आपको एक अलग से पैटर्न बना दूंगी जिसमें मैं यहाँ से कम कर दूंगी और डार्ट हमें उसमें नहीं लगानी पड़ेगी। तो आप उससे पैटर्न काट के यहाँ तक पहले उसको स्टिच कर लेना, उसके ऊपर इसके सेम ऊपर आपको अब एक बेल्ट लगानी है। पहले यहाँ पे बस्ट पे एक प्लीट वाला कपड़ा लगाने के बाद बेल्ट लगाएंगे हम। तो जैसे कि देखिए ये बेल्ट है, अब इसको मुझे सिलना है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे मैंने पैटर्न में यहाँ पे मार्किंग आपको करके दी है, ये वाली देखिए 2 इंच की मार्किंग, ये जो 2 इंच की मैंने मार्किंग की है साइड की, ये मार्किंग के साथ से आपको स्टिच करते हुए यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ स्टिच करना है। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये वाली लाइन इस पे अगर मैं स्टिच करती हूँ, और इधर वाली लाइन मुझे इस पे सिलनी है ऐसे, और फिर ये नीचे वाली लाइन मुझे इस किनारे के साथ जोड़नी है, और ये नीचे वाली लाइन मुझे इस पैटर्न के साथ जोड़नी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे इस पैटर्न का 3D में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये पैटर्न आपका ऐसे क्रॉस में स्टिच होगा। जूम करके मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऐसे क्रॉस में स्टिच होगा, ऐसे ऐसे ये कपड़ा आ जाएगा। इसके ऊपर से दूसरा प्लीट वाला कपड़ा हमें लगाना है, तो सेम एक और पैटर्न हम काटेंगे। इसके लिए आपको जो चौड़ाई है वो यहाँ पे मैंने मार्क की है 2 इंच, आपको चौड़ाई 2 से 2.5 इंच ही लेनी है, और जो लंबाई है वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापेंगे। आप शुरू कीजिए इसको जैसे इसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग, 5 इंच यहाँ है, 5 इंच यहाँ, 10, और बीच में 5 से 6 इंच है, तो आप 15 से 17 इंच जितना आप एक कपड़ा प्लीट वाला काट लीजिए, और उसको स्टिच करेंगे जब यहाँ पे ड्रेस फॉर्म के ऊपर डाल के 15 इंच यहाँ पे आप उसको फिक्स कर दीजिए। इसके बाद सेम अब हम दूसरा पैटर्न लगाएंगे, उस पैटर्न के लिए भी सेम हमें ऐसे ही उसकी स्टिचिंग करनी है। तो फिर से मैं इसको दिखा देती हूँ कैसे जोड़ना है।
अब ये वाली लाइन मेरी इधर जुड़ेगी, ये वाली लाइन इस पैटर्न के साथ जुड़ेगी, और ये वाली लाइन इस स्कर्ट के साथ जुड़ेगी, और इधर वाली लाइन इधर पैटर्न के साथ जुड़ेगी, और ये वाली लाइन यहाँ जुड़ेगी आपकी। तो अब जब मैं इसको स्टिच करूँगी तो वो इसके ऊपर से ऐसे ओवरलैप आके हमारा फिट आ जाएगा। ये देखिए, अब इसमें आपको यहाँ पे एक स्पेस दिख रहा होगा, राइट? बट जब आप उसको स्टिच करेंगे तो आपको उसको ऐसे एडजस्ट करके यहाँ पे ऐसा फिक्स करके स्टिच कर देना है। अभी मैंने यहाँ पे इसको, मैं आपको स्टिचिंग करके नहीं दिखाई है, वो आपको ड्रेस फॉर्म के ऊपर डाल के थोड़ा सा सुई धागे से भी करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये गारमेंट्स जो होते हैं वैसे ड्रेप वाले गारमेंट होते हैं, उसको ड्रेस फॉर्म पे डाल के ही करना पड़ेगा। और जो पीछे वाला है वो सेम आप इसी पैटर्न से प्लीट वाला कपड़ा एकदम सीधा काटेंगे, जैसे कि ये है, एकदम सीधा आपको यहाँ पे कपड़ा काटना है सेंटर बैक पे, और वो यहाँ पे आप जोड़ देंगे 2 इंच की चौड़ी पट्टी, 2 इंच की चौड़ी, और ये बता देती हूँ मैं आपको कितने इंच की आपको लंबी रखनी है, 2 और 8 इंच की आपको एक साइड से ही रखनी है, 8 एक साइड की, तो 8 और 8 इधर की। तो ये आप यहाँ पे लगा देंगे तो वो बैक का बन जाएगा। मैं आपको बैक के प्लीट वाले कपड़े का भी पैटर्न बना के भेज देती हूँ, तो इसकी सिलाई इस तरह से होगी। और जो बैक का ये वाला पैटर्न है, यहाँ पे आपको बस सिंपली सेम इसको रख के ही प्लीट वाले कपड़े पे काट लेना है। और फ्रिल जो है वो मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पार्ट है, आप इसको जब स्टिच करेंगे इसके साथ आधा इधर और आधा इधर, इसमें थोड़े हल्के से गैदर्स डाल के फिर इसको स्टिच कर देना।